नमस्कार दोस्तों, लाओ होल्स का एक कोट है, तीन लाइंस है, एबिलिटी इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, मोटिवेशन डिटरमाइंस व्हाट यू डू एंड एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वेल यू डू इट। लाइन वन को समझते हैं, एबिलिटी। एबिलिटी इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग। एबिलिटी यानी कि आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी एबिलिटी यह तय करेगी कि क्या वो आप काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर काम को करने की या फिर कैपेसिटी नहीं है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एबिलिटी इज गुड, लेकिन एबिलिटी अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप सब हर रोज वो काम करते हैं? आप में से सभी लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लिख भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्या आप सब लिखते और पढ़ते हर रोज हैं? वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। आप खुद अपने आप को ये पूछिएगा कि आपके अंदर कितनी सारी एबिलिटीज हैं, लेकिन क्या वो सारी योग्यताएं, क्या वो सारी क्षमताओं का आप हर रोज या फिर अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं? तो दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि एबिलिटी इज नॉट इनफ। एबिलिटी जरूरी है लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। सेकंड लाइन है, मोटिवेशन डिटरमाइंस व्हाट यू डू। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, अभिप्रेरणा या फिर अभिप्रेरण, एक काम जिसके अंदर आपकी योग्यता है, आपकी क्षमता है, अगर वो काम आप करते हैं तो वो जो काम करने का जो रीजन है, समवेयर एंड समवेयर देयर इज मोटिवेशन, कि वो प्रेरणा है आपके अंदर, इसलिए वो योग्यता और वो एबिलिटी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। एटीट्यूड जो थर्ड लाइन है कि एटीट्यूड डिटरमाइंस हाउ वेल यू डू इट। आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर प्रेरणा है, लेकिन अगर आपका रवैया, अगर आपकी अभिवृत्ति, आपने राइट अभिवृत्ति, राइट रवैया सेट नहीं किया, तो योग्यता होने के बावजूद भी, मोटिवेशन होने के बावजूद भी आप उस पर्टिकुलर चीज में शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसके पीक तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप कोई काम मैकेनिकली करते हैं या फिर आर्टिस्टिक तरीके से करते हैं, ये आपका रवैया तय करता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रश्न रहता है कि मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं मोटिवेटेड भी हूँ, मैंने उस चीज़ को एक लंबे समय से किया लेकिन फिर भी मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यह है, इट इज़ योर एटीट्यूड, वो रवैया। अब देखिए आपके अंदर कहीं ना कहीं आपने अपने रवैये के ऊपर, अपने एटीट्यूड के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया। आपने हमेशा अपनी एबिलिटी के ऊपर और एबिलिटी की वजह से आपने जो चीज़ें करना स्टार्ट की उसके ऊपर ही फोकस किया। सारी चीज़ों को शायद हमने मैकेनिकली ही किया है, मोटिवेशन को ही हम अपना पीक मानकर चले हैं, शायद इसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिली। एक और बार प्रयास कीजिए, अपने एटीट्यूड को पॉलिश कीजिए, राइट एटीट्यूड से अपनी योग्यता, अपने मोटिवेशन का इस्तेमाल कीजिए, एंड आई बेट यू आप सफल हो जाएंगे। और यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि आप सफल हो जाएंगे, सफलता की सबसे बड़ी अगर कोई ऐसा मार्क है या फिर ऐसी कोई चीज है जिससे हम हमारी सफलता को नाप सके, तो आई वुड से कि सेटिस्फैक्शन, वो काम करने में जो आपको मजा आएगा, That is the biggest prize that you can get. Think about it. ये था आज का motivational quote. रोज ऐसे ही एक quote से आपके जीवन के problem को solve करने के लिए guidance, motivation मिले, यही vision के साथ एक और quote के साथ कल मिलेंगे. Subscribe curiously forever for more interesting, informative and motivational videos. Stay informed, stay motivated, stay connected. Jai Hind.